हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, डब्ल्यू बी क्लास 9th का चैप्टर 10 हमने शुरू किया था और एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और फर्दर को मूव करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितना ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होता है, बिल्डअप होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख के रखा है, सुप्रिया बॉट अ क्लॉक। सुप्रिया ने क्या किया, क्लॉक को खरीदा है, घड़ी खरीदा है। इफ शी सेल्स द क्लॉक इट 370 रुपीज, अगर उसने क्लॉक को 370 रुपीज में बेच दिया है, हैज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ सेलिंग 210। मतलब कि जो उसका प्रॉफिट हुआ वो जब उसने 210 में बेचा, पहले उसने कितने में बेचा है, पहले एसपी था उसका 370, तो उसे कितना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन आप समझ लो कि जब उसने 370 में बेचा है तो उसे कितने, उसे उसे जो प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा इसमें पता नहीं हमें, वो किसके इक्वल है, जब उसने 210 में उसी को बेचा तो उसे लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो फाइंड द सीपी, तो हमें सीपी फाइंड करना है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितने में उसने खरीदा था ये हमें फाइंड करना है। तो चलो, तो मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने क्या कर लिया, सीपी ऑफ द क्लॉक इज एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास एसपी कितना है, इफ सी सेल्स एट 370। ठीक है, देन एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 370, एंड सी पी आया कितना, एक्स। तो हमें यहां से क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, एस पी माइनस सी पी, दैट इज 370 माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉफिट हुआ। अब अगर उसने इतना, अगर उसने 370 में बेचा तब, इफ सी सेल्स, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने साइड में कर लिया है, इफ सी सेल्स एट रुपीज कितने में, 210। जब उसने 210 में बेचा, मतलब कि एसपी कितना हो गया, वी कैन राइट दैट एसपी इज इक्वल टू 210 एंड वी हैव सीपी एक्स, देन उसे लॉस होता है ना, लॉस होता है, लॉस कितने का हो गया, देन लॉस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। लॉस में हमेशा क्रय मूल्य कम ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो सीपी यहाँ पे एक्स है, एक्स माइनस 210। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस, है ना, प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 370 माइनस एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 210, मतलब कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, है ना। तो P इज इक्वल टू L करने पे हमें मिला 370 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 210। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस एक्स है और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 210 है और ये इधर जाएगा तो माइनस 370। अब माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं तो माइनस 2x, ये भी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 580। माइनस 580, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 580 बाई 2, दैट इज 2 2 4 और ये हो गया 2 9 80 290। एक्स का वैल्यू कितना है, 290। देन हमें क्या निकालना था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और क्रॉस प्राइस हमें एक्स माना था, है ना, सीपी ऑफ द क्लॉक दे लिखेंगे, देन सीपी ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू 290 रुपीज आंसर। ठीक है, सीपी ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू 290। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को बस आप एक बार नहीं तो दो बार नहीं तीन बार 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 इसको पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, और जब ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7 में है कि माई एल्डर सिस्टर हैज बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम अरुण अंकल शॉप एट रुपीज 255। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एंड इफ अरुण अंकल गेव 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, देन लेट अस राइट एंड कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला।
मतलब कि बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द अरुण अंकल शॉप से 255 में मेरी सिस्टर ने क्या किया है, अम्ब्रेला खरीदा है, ठीक है, 255 रुपीज में, मतलब कि अरुण अंकल ने बेचा है। यहाँ आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है 15% का, ठीक है। तो इसने बेचा है ना 255 में, अरुण अरुण अंकल ने 255 में बेचा है, इसका मतलब सीपी नहीं दिया हुआ है। आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि इल्डर सिस्टर बॉट एन अम्ब्रेला है, आपको ये ध्यान देना है कि उसने डिस्काउंट दिया है, मतलब उसने बेचा है अरुण अंकल ने। अगर इसने खरीदा है तो अरुण ने बेचा है, तो हमारे पास दिया क्या है गिवन में, गिवन में हम क्या लिखेंगे, SP इज इक्वल्स टू 255 रुपीज, ठीक है। एंड उसने जो मार्केट प्राइस, जैसे कि कोई भी सामान है उसमें एक लेबल होता है मार्केट प्राइस का, तो उसमें लिखा रहा है कि मान लो यहाँ पे 100 रुपये का सामान है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, और उसमें उसने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया 15% का। तो ये डिस्काउंट का मतलब कि 115 डिस्काउंट, मतलब कि 15 लेस कर दिया, 15%, तो 100 का 15% निकालेंगे हम, और जितना आएगा उससे 100 से माइनस कर देंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट के बाद उसने इतने में दिया है, बात है कि डिस्काउंट देने के बाद उसने इतने में बेचा है, ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं कि मार्केट प्राइस कितना था, तो हम इसे मान लेंगे कि लेट दी मार्केट प्राइस ऑफ अम्ब्रेला अम्ब्रेला इज इक्वल टू एक्स, हम मार्केट प्राइस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें कितना मार्केट प्राइस पे, हमें 15% का डिस्काउंट दे रहा है अरुण अंकल, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 15% डिस्काउंट गिवेन एट रुपीज एक्स, ठीक है। तो जब 15% का डिस्काउंट मिलता है तो क्या होगा कि सबसे पहले हम एक्स का 15% निकाल लेंगे, 15% ऑफ एक्स निकालेंगे हम, ठीक है, और उसमें से हम एक्स में से माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। देन न सॉरी, तो हमें कितने में उसने बेचा था, मतलब कि कितने में उसने बेचा था, SP निकल जाएगा। तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स आफ्टर डिस्काउंट, मतलब ये तो डिस्काउंट दे दिया, और ये टोटल जो प्राइस था उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस करके जो निकाला उसने इतने में बेचा था, तो SP क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स, मतलब 15/100 मल्टीप्लाई एक्स, है ना। अब यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 15x/100, अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 100 माइनस 15, 100x-15x/100, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 85x/100, इतने में उसने बेचा है, ठीक है। बट हमारे पास एक वैल्यू पहले से आई कि उसने कितने में बेचा था, 255, मतलब कि ये SP और ये SP दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर, नीचे आप लिखना प्लीज, साइड में नहीं, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, 85x/100 इक्वल्स 255, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 255 मल्टीप्लाई 100, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे आ गया 85 85। अब इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है बस सिंपली, ओके। तो इसको 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 17, इसको 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 51, फिर 17 3 51, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 300, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 300, एक्स हमने माना क्या था, मार्केट प्राइस, तो आ गया MP ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज इक्वल टू 300 रुपीज, आंसर MP ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू 300 रुपीज, ठीक है। बहुत इजी तरीके से ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, माई फ्रेंड हैज बॉट अ स्टोरी बुक एट 25% ऑफ डिस्काउंट ऑन द रिटेल प्राइस, ओके, एंड इफ शी सेल्स द रिटेल प्राइस एट द रिटेल प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज शी गेन, मतलब कि उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ अगर वो रिटेल प्राइस पे बेच देती है, ठीक
ठीक है, अगर वो 25% के डिस्काउंट पे बेचती है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था ये हमें पता करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि मान लेंगे हमें मार्केट प्राइस या रिटेल प्राइस नहीं पता है, तो मान लेंगे कि लेट यहाँ पर रिटेल प्राइस लिखा हुआ है, तो रिटेल लिखते हैं, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, हमने इतना रुपीज मान लिया, ठीक है, एक्स रुपीज है रिटेल प्राइस। ठीक है, अच्छा एक्स नहीं मान के 100 करते हैं जो ज्यादा इजी होता है, चलो 100 करके चलते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज हमने मान लिया, रिटेल प्राइस कितना है 100 रुपीज है, मतलब कि 100 रुपीज में लिखा हुआ था। एंड अब उसने कॉस्ट प्राइस कितना होगा बुक का, उसने कितने में खरीदा था उस बुक को, माई फ्रेंड हैज बॉट है ना, खरीदा था ना बुक को, तो मान लेते हैं कि उसने एनहेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक एट 25% डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट मिला था उसे, तब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, मतलब कि 100 पे 25% का डिस्काउंट, और जब भी परसेंटेज होता है तो ये 100 से ही माइनस होगा, ये इसका मतलब 100 ही होता है, इसको नीचे करेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो 25% का डिस्काउंट मतलब कि 25 रुपीज, 100 पे 25 रुपीज, तो हम माइनस कर देंगे 100 माइनस 25, डिस्काउंट मिला कितने का मिला, तो अब ये उसने कितने में खरीदा था, 75 रुपीज में उसने बुक को खरीदा था। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि अब अगर वो नाउ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग, अगर सेलिंग प्राइस मतलब अगर ये इस पे वो खरीदती और इस पे बेचती तो उससे कितने का प्रॉफिट होता। ठीक है, इस पे वो उसने खरीदा होता डिस्काउंट ना लेकर, इस पे खरीदा होता और 75 में उसने बेच दिया होता, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता ये हमें निकालना है। ठीक है, लिखेंगे नाउ नाउ प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेलिंग, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में ही कि इफ सी सेल्स ऑन रिटर्न प्राइस, मतलब कि रिटर्न प्राइस में अगर बेचा जाता तो उसे कितना प्रॉफिट होता, तो रिटर्न प्राइस हमारे कितना है 100 है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑन रिटर्न प्राइस एट रिटर्न प्राइस, ठीक है, रिटर्न प्राइस पे अगर बेचा जाता तो उसे कितने का फायदा होता, तो रिटर्न प्राइस हमारा कितना है 100, ठीक है, तो प्रॉफिट उसको कितना होता, 100 माइनस 75, 25 रुपीज का प्रॉफिट होता उसे, अगर उसने खरीदा होता 100 में और बेचा होता 75 में तो उसे 25 रुपीज का फायदा होता। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 75, और पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी होगा पी बाई सी पी इंटू 100 होता है। ठीक है, तो पी हमारा कितना है 25, और उसने खरीदा कितने में था, खरीदा था कितने में 75 रुपीज में खरीदा था, यहाँ पे 75 हो जाएगा, सीपी सीपी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 75 इंटू 100, 25 3 जा, और ये हो गया कितना 100 बाई 3, 100 बाई 3। अब आप इसका वो कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखे 33 होल 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये इतना इतना आंसर हो गया, ये आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया, इसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो आप इसको 1 या 2 या 3 बार ध्यान से देखिए, और बार बार वीडियो को देखने से समझ में आ जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में है, नियामक चाचा हैज बॉट 150 eggs, ठीक है, एट रुपीज 5 5 रुपीज ईच, मतलब कि 150 eggs उन्होंने 5 5 रुपया करके खरीदा है, एक एक एग का वैल्यू कितना, प्राइस कितना है 5 रुपीज, ठीक है, तो 150 eggs उन्होंने खरीदा, बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू शॉप, मतलब जब शॉप पर वो लेकर आते हैं, ही शॉ दैट 8 eggs आर ब्रोकन, उसमें से 8 egg क्या होता है टूट जाता है, 8 eggs टूट जाता है, एंड 7 eggs आर रोटेन, और 7 egg जो है वो खराब हो जाते हैं, 7 eggs खराब हो जाते हैं, इफ ही सेल 6 रुपीज ईच देन वॉट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये हमें निकालना है, मतलब कि 5 रुपया करके उन्होंने खरीदा था, उसके बाद उसमें से 15 तो खराब ही हो जाते हैं, 8 एंड 7, तो जो बाकी बचता है उसको उनको बेचने में कितना लाभ या कितना हानि हुआ ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि उन्होंने कितने में खरीदा था ये हमें पता करना है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, कॉस्ट प्राइस या सीपी ऑफ 150 एक्स एक्स एट रुपीज 5 ईच,
अगर हर एक का वैल्यू, हर एक का दाम 5 रुपए है, तो 150, एक का दाम कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 750 रुपीज। 750 में उन्होंने खरीदा था, सीपी कितना हो गया 750, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन कितना था, टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एंड एंड रोटेन, मतलब कि जो खराब हो गए थे वो कितने थे, 7 + 8 + 7 दैट इज 15 eggs थे जो कि खराब हो चुके थे। तो टोटल हमारे पास 150,000 से हमें 15 माइनस करना होगा, ठीक है। रिमेनिंग एग कितना बचा, रिमेनिंग एग्स इज इक्वल्स टू 150 - 15, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 135। इतना एग हमारे पास बच गया। अब इतने एग को उन्होंने बेचा, खरीदा था तो उन्होंने 150, बट इतने को ही बेचा उन्होंने, तो इसको बेचने में उनको कितना प्राइस मिला, वो 6 रुपया करके बेचते हैं, मतलब कि एक एक का वैल्यू एक एक को 6 रुपये में बेचते हैं। तो 135 एक को कितने में बेचेंगे, 135 × 6, तो हमें इस तरह लिखना होगा, एनहेंस सेलिंग प्राइस, और एसपी आप ले सकते हैं, एसपी ऑफ एग्स, रिमेनिंग एग्स होगा, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स, चलो ठीक है, एट 6 रुपीज ईच। 6 रुपया करके उन्होंने अगर बेचा तो कितना हो जाएगा, 135 × 6, कितने में बेच रहे हैं आप, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा आपका 810 रुपीज। इतने रुपीज में उन्होंने बेचा है, और खरीदा कितने में था, खरीदा था 750 में, और इतने में बेचा, ठीक है। तो देख के पता चल रहा है कि इतने में खरीदा था, इतने में बेचा था, ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ज्यादा यहाँ मिला है हमें, बेचने में ज्यादा पैसा मिला है तो प्रॉफिट हुआ। एनहेंस लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 810 - 750, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 रुपीज। 60 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पी बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, दैट इज पी कितना है 60, और सीपी मतलब खरीदा था कितने में, 750 में, ठीक है, तो लिखेंगे 750 × 100, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना है, 0 से 0 गया, और ये हो गया आपका 25 - 10, और 25 × 3 = 3, 2 = 6, मतलब कि 8, 2 = 4 = 8, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 8%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना मिला उन्हें लास्ट में, तो ओवरऑल उन्होंने 8% का फायदा उन्हें हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, आसिफ चाचा, मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ लिखा है, आसिफ चाचा सोल्ड अ टॉय 5% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20%, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस 20% एंड सेलिंग प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इज लेस बाय 34, देन आसिफ चाचा शुड मेक 10% प्रॉफिट, देन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, सीपी ऑफ द टॉय हमें फाइंड करना है। मतलब कि आसिफ चाचा ने 5% के प्रॉफिट पे एक टॉय को बेचा था, ठीक है, इफ सीपी ऑफ द टॉय, अगर उस टॉय को खरीदा था उन्होंने 20% कम में खरीदा होता, एंड एसपी ऑफ द टॉय, और जो बेचा होता 34 रुपए कम में ही बेच दिया होता, तो भी उनको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने कितने में खरीदा था उस टॉय को, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, हम सीपी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे क्या, लेट सीपी ऑफ टॉय इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है, x रुपीज हमने मान लिया सीपी ऑफ द टॉय, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उन्होंने 5% का, जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% का प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, ठीक है। देन यहां से हम एसपी निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितने में बेचा था, तो चलो यहां से एसपी निकालते हैं। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू होता है आपका 100 + प्रॉफिट बाय 100 × सीपी, है ना, दैट इज 100 + p कितना है 5, p 5 है, बाय 100 × सीपी हमारे पास यहाँ एक्स है, ठीक है, तो कितना आ गया 105 / 100x, इसको काटेंगे 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 21x / 20, इतना आ गया हमारे पास एसपी, मतलब कि अगर उन्होंने एक्स में खरीदा होता तो 21x / 20 में खरीदा होता, ठीक है, तो एसपी सीपी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
नाउ द न्यू कॉस्ट प्राइस, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? न्यू, पहले नाउ लिख देंगे, नाउ न्यू सीपी व्हेन इट रिड्यूस बाय कितना? 20%। अगर सीपी कितना होता अगर उसे 20% कम कर दिया जाता, ठीक है, तो पहले सीपी कितना था? एक्स था, अब इसका 20% कम कर दिया गया, दैट इज एक्स माइनस ईसी का 20%, एक्स का 20%, ठीक है। तो अब सीपी कितना हो गया? सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स माइनस एक्स का 20%, दैट इज ये हो जाएगा कितना, 80x/100, ठीक है, 80x/100। तो 80x/100 को काट देते हैं, 0 से 0 गया, और 2 5 10 और 2 4 दैट इज कितना हो गया, 4x/5। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अगर रिड्यूस होता है 20%, तो कॉस्ट प्राइस होता है 4x/5, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे रहा है, नाउ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 34, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस भी 34 रिड्यूस हो जाता है तो क्या होगा? लिखेंगे नाउ सेलिंग प्राइस एसपी व्हेन डिक्रीज बाय 34। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुका है कितना, 21x/20, ये 34 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 21x/20 -34 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21x/680 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 20 से 34 को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये इतना आ गया, इतना क्या आ गया, डिक्रीज होने के बाद एसपी इतना आ गया और डिक्रीज होने के बाद सीपी इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट उनको इतना हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ प्रॉफिट निकालना होगा। हमारे पास सीपी है, एसपी है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। यहाँ पे एसपी कितना है, ये है 21x -680/20, माइनस सीपी कितना है, 4x/5, ये है। तो यहां से हमारा पी निकल जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे और आप वो कैलकुलेशन खुद कर लेना एलसीएम वगैरह लेकर, तो आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 20 एलसीएम होता है, और 20 20 कट गया तो कितना बचा, 21x-680, ये वही बचा ऊपर का सेम, और ये 5 4 20 होता है, तो 4 4 16, -16x, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो आ जाएगा आपका 5x-680/20, इतना आ गया हमारे पास पी। पी है, बट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ पी। तो परसेंटेज ऑफ पी हमें कैसे निकलता है, पी बाय सी पी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पी हमारे पास कितना है, ये टोटल पी है, दैट इज 5x-680/20 बाई सीपी। सीपी कितना है हमारे पास, 4x/5, और लिखेंगे 4x/5 मल्टीप्लाई 100, जो है बस उसी को कर लेना है, ठीक है। तो ओके, तो परसेंटेज ऑफ पी हमारा यहाँ पे आ गया। अब परसेंटेज ऑफ पी इस परसेंटेज ऑफ पी के बराबर होगा, मतलब कि 10% के बराबर होगा, ठीक है, और ये ऑब्वियसली पहले से परसेंटेज में ही है। तो हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में लिखेंगे, ये जो पी है 5x-680, इसको सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, बाई 20 मल्टीप्लाई 5 ऊपर बाई 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बाई इज इक्वल टू 10। 10% को मैंने 10 लिखा क्योंकि ये टोटल परसेंटेज में है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, कि 5x-680 बाई ये इसको कट कर देती हूँ, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, और ये 10/100, ठीक है, ये इस 100 को मैंने नीचे लेके गई। अब ये 0 से 0 1/10 आ गया, 1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ इसको, ठीक है, ये इस तरह, तो ये हो जाएगा 50x-6800 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 16x से 1 को, तो 16x ही होगा, ठीक है। अब 50x-16x कितना हो जाएगा, 34x। नेक्स्ट लाइन में करेंगे कितना, 34x, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6800, ठीक है,
तो आपका आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 6800 बाई 34। 34 टू जा 68 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 200, दैट इज 200। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 200। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू 200, और एक्स हमने माना क्या था, सीपी ऑफ द टॉय। एकदम स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, सीपी ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू देन सीपी ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 200 रुपीज। आंसर यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। एक बार और मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज मैं यहीं पे वीडियो को फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सोल्यूशंस बनेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स एक्वायर होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, क्लासमेट्स, टीचर के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।